गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट सेकेंड चैप्टर ऑफ बायोलॉजी क्लास 12। चैप्टर नेम इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आर वी नॉट लकी दैट प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन जो होता है सेक्सुअली होता है। द मेरिट्स ऑफ फ्लावर्स दैट वी इंजॉय ग्रेजिंग एट द सेंट्स एंड परफ्यूम्स वी स्वार्म ओवर द रिच कलर दैट अट्रैक्ट अस आर ऑल देयर इज एन एड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो भी परफ्यूम हम लोग यूज़ करते हैं, सेंट यूज़ करते हैं, ये सब किसका है, देन है, फ्लावर्स के देन है, जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज फॉर आवर ओन सेल्फनेस। फ्लावर्स अपने लिए कुछ भी यूज नहीं करते हैं। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सारे जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को दर्शाते हैं। ए लुक दैट द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इनफ्लोरोसेंस फ्लावर्स एंड फ्लोरल पार्ट्स सो एन अमेजिंग रेंज ऑफ अडेप्टेशन टू इंश्योर फॉर्मेशन द इंड प्रोडक्ट्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द फ्रूट्स एंड सीड्स इन दिस चैप्टर लेट अस अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स। In these chapters, we are discuss about angiosperming plants. Flowers have floral parts. All of you know that flowers have floral part adaptation, and they sexually reproduce and form fruit and seeds. Flowers a fascinating organ of angiosperm. Now we discuss the topic flowers a fascinating organ of angiosperm. So humans being have had an intimate relationship with flowers since time of immemorial. पुराने समय से ही humans का मनुष्य का जो है फ्लावर से एक अटैचमेंट रहा है। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक ऑर्नामेंटल सोशियो रिलीजियस कल्चरल वैल्यू। इनका जो है एस्थेटिक में भी यूज होता है, ऑर्नामेंट में भी यूज होता है, सोशली समाज में भी लोग इसका यूज़ करते हैं, कल्चर में भी यूज होता है। दे हैव ऑलवेज बीन यूज सिम्बल्स फॉर कन्वेइंग इम्पॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स सच एज लव अफेक्शन हैप्पीनेस ग्रीफ मॉर्निंग। ये फ्लावर्स जो होते हैं वो कभी भी इंजॉयमेंट होता है, लव होता है किसी से, हैप्पीनेस को रिप्रजेंट करते हैं। लिस्ट लीव फाइव फ्लावर्स ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू दैट आर कॉमनली कल्टिवेटेड एट होम्स एंड इन गार्डन्स। हम लोग को लिस्ट बनाना है ऑर्नामेंटल प्लांट्स के, सजावटी पौधे के, और जो कि होम्स में और गार्डन्स में उगाए जा सकते हैं। फाइंड आउट नेम ऑफ द फाइव मोर फ्लावर्स यूज इन सोशल एंड कल्चरल सेलिब्रेशन। कुछ पौधे ऐसे हैं, कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जिनका यूज सोशल में और कल्चरल प्रोग्राम में किया जाता है, उसकी हमको लिस्ट तैयार करनी है। हैव यू फ्लोरिकल्चर। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लावर्स इज नोन एज फ्लोरिकल्चर। ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज फ्लोरिकल्चर। हियर आई एक्सप्लेन दैट फ्लोरिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लावर्स। टू बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स एंड मॉर्फोलॉजिकल इम्यूनोलॉजिकल एंड साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि फ्लावर्स मॉर्फोलॉजी मीन्स द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स। एम्ब्रियोलॉजिकल मीन्स एम्ब्रियो के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल ऑफ यू नो इट वेल। इन क्लास 11th यू हैव रीड द पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। ऑल ऑफ यू रीड्स पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। आई नो दैट यू आर वेल नोन दैट टर्म। हियर ऑल्सो इन फिगर 2.1 फ्लावर्स पार्ट्स आर गिवेन। नाउ वी कम इन प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स।
एंड इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स फ्लावर्स में क्या क्या होता है, मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर सीन एंड ऑन प्लांट्स द डिसीशन दैट गोइंग फ्लावर्स टेक इन प्लेस सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल एंड इनिशिएट विच लीड डिफ्रेंसिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्रीमोडियम. फ्लोरल मीन्स फ्लावर्स के जो पार्ट्स होते हैं वो कैसे डेवलप होता है उसके बारे में. इन फ्लोरोसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल एंड द फ्लावर्स. इन फ्लोरोसेंस जो फ्लावर्स कैसे अटैच्ड हैं उसके बारे में. इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, द एंड्रोसियम एंड गायनोसियम. ऑल ऑफ यू नो दैट एंड्रोसियम इज़ द मेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर एंड गायनोसियम इज़ द फीमेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. यूड रिकलेक्ट द एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ वॉल ऑफ स्टैमेन. आप सब लोगों को जो है कलेक्ट करना है एंड्रोसियम को जिसमें स्टेमेन हो रिप्रेजेंटिंग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड द गायनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. गायनोसियम जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है. हियर नाउ वी डिस्कस टॉपिक स्टैमेन माइक्रोस्पोरेंजियम एंड 2.2. सो टू पार्ट्स ऑफ ए टिपिकल स्टैमेन द लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक इज कॉल्ड फिलामेंट. हियर लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक इज कॉल्ड फिलामेंट. हियर फिलामेंट आर गिवेन इन फिगर बी एंड द टर्मिनल जनरली बायलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर. और बायलोब्ड स्ट्रक्चर को जो है हम एंथर कहते हैं. द प्रोऑक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलमस ऑफ द पेटल ऑफ द फ्लावर. इन प्रोऑक्सिमल एंड जो होता है वो पेटल से जुड़ा हुआ होता है. द नंबर ऑफ लेंथ ऑफ स्टेमेंस आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट. स्टेमेंस का लेंथ जो होता है वो डिफर करता है फ्लावर्स के अकॉर्डिंग. जैसे जैसे फ्लावर्स होते हैं वैसे वैसे उनका जो है कि स्टेमेन का स्ट्रेंथ लेंथ भी होता है. द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमेन आर वेरिएबल इन फ्लावर्स डिफरेंट स्पीसीज. इफ यू अवेयर टू कलेक्ट द स्टेमेन ईच फ्रॉम 10 फ्लावर्स. अगर आप 10 फ्लावर्स का स्टेमेन को कलेक्ट करते हैं तो उनका लेंथ में आप वेरिएशंस देखेंगे. एंड अरेंज देम ऑन ए स्लाइड तो वुड बी एबल टू अप्रिशिएट द लार्ज वेरिएशन इन साइज सीन इन नेचर. आप उसको लेके स्लाइड पे माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो आपको बहुत सारे वेरिएशंस दिखाई देंगे, बहुत सारी विभिन्नताएं दिखाई देंगी. केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमेन अंडर डिसेक्टिव माइक्रोस्कोप एंड मेकिंग नीट डायग्राम वुड इलुसिडिएट द रेंज इन शेप एंड अटैचमेंट ऑफ एंथर इन डिफरेंट फ्लावर्स. ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बायलोब्ड विथ ईच लोब हैविंग टू थीका. अब टिपिकल बायलोब्ड एंथर में जो होता है एटिपिकल एंथर. हियर एंथर इज गिवन एंड बायलोब्ड होता है. बायलोब्ड दो लोब होते हैं. दो लोबों में ये बटा होता है. दे आर डाइथिकस. चूँकि इसमें दो लोब होते हैं इसलिए इसको डाइथिकस के नाम से भी जाना जाता है. ऑफन लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स रन्स लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका. और ये लेंथ वाइज जो है कि रन करता है जिसकी वजह से ये दो ग्रुप्स में बटा हुआ होता है. लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप ऑफ टिश्यू एंड देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एन एंथर. द बायलोब नेचर ऑफ एन एंथर वेरी डिस्टिंक्ट इन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर. अगर हम इसका ट्रांसवर्स टीएच काटते हैं तो उसमें जो है इसमें वेरिएशन दिखाई देगा. द एंथर इज ए फोर साइडेड स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजिया. और इसमें हम देखते हैं कि ये फोर साइडेड है जिसको टेट्रागोनल भी कहते हैं. लोकेटेड द कॉर्नर्स और ये कॉर्नर्स पे लोकेट होता है. टू इन ईच लोब्स और प्रत्येक दो लोब होता है. द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप्स फर्दर एंड बिकेम पॉलन सेक. और माइक्रोस्पोरेंजिया के द्वारा ही डेवलपमेंट होता है और इसको पॉलन सेक भी बोलते हैं. माइक्रोस्पोरेंजिया जो है माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकेम पॉलन सेक. माइक्रोस्पोरेंजिया को हम लोग पॉलन सेक भी बोलते हैं. द एक्सटर्नल लॉन्गिट्यूडनल ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ द एंथर एंड आर पैक्ड विथ ए पॉलन ग्रेन्स. और ये सारे जो है पॉलन ग्रेन्स में पैक होता है. नाउ वी कम इन द टॉपिक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम. माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर क्या है उस बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे. इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ए टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन. माइक्रोस्पोरेंजिया जो है सर्कुलर होता है.
सर्किल के आकार का होता है। इट इज जनरली सराउंडेड बाई फोर वॉल लेयर्ड, इसमें फोर वॉल लेयर्ड होते हैं, इपीडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। इसमें एंड इपीडर्मिस होता है, एंडोथीसियम होता है, मिडिल लेयर्स होता है एंड टैपेटम होता है। द आउटर थ्री वॉल्स लेयर्स परफॉर्म फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन द डिहेशन एंथर टू रिलीज द पॉलेंस। जो आउटर थ्री लेयर्स होती हैं उनका वर्क जो होता है वो प्रोटेक्शन का होता है, और ये एंथर डिहेशंस ऑफ एंथर टू रिलीज पोलन ग्रेन, और ये ब्रेक डाउन होता है, डिहेशंस ब्रेक डाउन होता है और पोलन पोलन को रिलीज करता है। द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज द टैपटम, सबसे जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको टैपटम के नाम से जानते हैं। इट नरिश द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स, और मेन वर्क ऑफ टैपटम इज द नरिशमेंट, नरिशमेंट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, पोलन ग्रेन को। सेल्स ऑफ द टैपटम पजेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। जो सेल्स टैपटम का होता है वो डेंस होता है और इसमें एक न्यूक्लियस से ज़्यादा जो है पजेस डेंस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म भी होता है और जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, और एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। वेन द एंथर ऑफ इज ए यंग ग्रुप ऑफ कम्पैक्टली अरेंज होमोजीनियस सेल्स कॉल्ड स्पोरोजीनियस टिश्यू। जब ये एंथर जो है कि ग्रुप में कम्पैक्टली बहुत सारे जो स्पोरेंजियस एंथर जो है जुड़ जाते हैं, कम्पैक्ट हो जाते हैं, जकड़ जाते हैं, तो उसको स्पोरोजीनियस टिश्यू कहते हैं, और ये सेंटर ऑफ ईच माइक्रो स्पोरेंजियम में होता है। माइक्रो स्पोरेंजियसिस क्या होता है, एज द एंथर डेवलप द सेल्स ऑफ द स्पोरेंजियस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या होता है कि एंथर जो है उसमें डिवीजन होता है जिसको माइटोटिक डिवीजन कहते हैं, और ये एक से चार का निर्माण करता है जिसकी वजह से हम इसको टेट्राड भी बोलते हैं। व्हाट वुड बी द पोलैरिटी ऑफ द सेल्स ऑफ द टेट्राड, आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट टॉपिक हियर वी डिस्कस हियर वी सॉरी हियर वी फिगर ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग एंथर। हियर आउटर मोस्ट लेयर इज इपीडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल, देन मिडिल लेयर इज टैपटम। टैपटम प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन। एज ईच सेल्स ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू द माइक्रोस्पोर टेट्राड, और जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो टेट्राड का निर्माण करता है। ईच वन इज पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल्स थ्रो मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और इसी प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं जिसके द्वारा माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। द माइक्रोस्पोर्स दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज इन द क्लस्टर ऑफ फोर सेल्स, और ये किस में अरेंज होते हैं, फोर सेल्स के क्लस्टर्स में अरेंज होते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड के नाम से जाना जाता है। एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेटेड द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इन टू पोलन ग्रेन्स, और जब ये एंथर जो है मैच्योर हो जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है, वाटर इसमें से रिमूव हो जाता है, तो माइक्रोस्पोर जो इसके होते हैं वो पोलन ग्रेन्स में डेवलप हो जाते हैं। इन साइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर्स, और प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम में बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स पाए जाते हैं दैट रिलीज विद डिहेशंस ऑफ एंथर, जो कि जब ये ब्रेक डाउन होता है तो रिलीज होते हैं पोलन ग्रेन्स। व्हाट इज पोलन ग्रेन्स, नाउ वी डिस्कस हियर द पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन जो होते हैं वो मेल गैमेटोफाइट होते हैं। इफ वी टच द ओपन एंथर हिबिस्कस आर एनी अदर फ्लावर्स यू वुड फाइंड द पोजिशन ऑफ एलोइस पाउडरी पोलन ग्रेन्स ऑन आवर फिगर्स। जब हम किसी भी फ्लावर्स को टच करते हैं तो हमारे हाथों पे जो है पीले येलो कलर का पोलन ग्रेन्स जो है चिपक जाते हैं। स्प्रिंकल दिस ग्रेन्स आर ड्रॉप वाटर टेकन ऑन ए ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, और इसको हमको क्या करना है अपने हाथ पे लेना है और इसको माइक्रोस्कोप के अंदर जो है एब्जॉर्ब करना है। इट इज आल्सो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल बुक। सो
सो आई लव यू टुडे द एंड ऑफ दिस टॉपिक एंड आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट वीडियो.